नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा राज्य मेरा देश। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ माधुरी कलाल। अगले एक घंटे तक आपसे किसी भी राज्य की कोई खबर नहीं छूटेगी। बिल्कुल, तो एक घंटे तक इस बुलेटिन में हर राज्य की हर खबर देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जान लीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। अमित शाह ने कोलकाता में बीजेपी का सोनार बांग्ला संकल्प पत्र 2021 जारी कर दिया। और इसी दौरान महिलाओं, युवाओं, किसानों, चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों से लेकर के हर वर्ग के लिए वादे किए गए। इतना ही नहीं, अमित शाह ने साफ कहा कि बंगाल के विकास के लिए पैसे कम नहीं पड़ने देंगे। हर वर्ग को तरक्की की राह दिखाएंगे। गरीबों को अनाज से लेकर 5 रुपए में भरपेट खाना बीजेपी के शासनकाल में दिया जाएगा। घुसपैठ को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। धार्मिक स्थलों को विश्व स्तरीय बनाने का भी प्लान बीजेपी ने पेश किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी बातें इस घोषणा पत्र संकल्प पत्र की। कोलकाता में दुर्गा पूजा को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर डालकर इसकी जीवंतता को बढ़ावा देकर दुनिया भर के पर्यटक दुर्गा पूजा में आए, न कि दुर्गा पूजा को करने के लिए कोर्ट की परमिशन की जरूरत पड़े, मगर दुनिया भर से लोग यहां देखने आए, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। हमने तय किया है कि व्यक्ति क्या सीमा पार से परिंदा भी पैर न मार पाए, इस तरह की सीमा सुरक्षा की व्यवस्था। घुसपैठ को पूर्णतया बंद करने का काम बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। और समयबद्ध तरीके से बॉर्डर फेंसिंग को स्ट्रेंथनिंग करना, आउटपोस्टों को स्ट्रेंथनिंग करना, सीसीटीवी सर्वेलेंस से थानों को जोड़ना और थानों की घुसपैठ जब होती है तो जिम्मेदारी तय करना, ये सारे काम हम करेंगे। और बंगाल की हर खबर सबसे पहले जी हिंदुस्तान पर देखते हैं आप। आज संकल्प पत्र बीजेपी का आ चुका है। उस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रत्यूष, तो मल्लिका हमारी सहयोगी, इसके अलावा रमन और श्रद्धा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोलकाता से, ग्राउंड जीरो से। बिल्कुल, बंगाल की धरती के इस वोट युद्ध की सबसे बड़ी कवरेज जी हिंदुस्तान आपको दिखा रहा है। तमाम सहयोगी मेरे लगातार बने हुए हैं। प्रत्यूष और श्वेता उसी जगह पर मौजूद है जहां पर अब से कुछ देर पहले अमित शाह ने बीजेपी का घोषणा पत्र, जिसे वो संकल्प पत्र कह रहे हैं, जारी किया है। संकल्प पत्र में सबसे बड़ी बातें आपने अगर देखी हो श्वेता, महिलाओं पर कितना ध्यान दिया गया, चाहे वो केजी से पीजी तक परीक्षा, बच्चों के स्कूल शिक्षा को निशुल्क करने की बात हो, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निशुल्क यात्रा देने की बात हो, या फिर 33% आरक्षण की बात हो। बिल्कुल, अगर एक और यहाँ जोड़ना चाहूंगी, विधवा पेंशन को लेकर भी माधुरी, यहाँ 1,000 से लेकर 3,000 कहने की बात कही गई है। एक तरीके से महिला उत्थान को लेकर प्रत्युष इसमें तमाम बातें कही गई, किस तरीके से? ये इसलिए भी इसे मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है कि 33% आरक्षण, क्योंकि आपको याद होगा कि महिलाओं का जो वोटिंग ट्रेंड था पिछली बार वो पुरुषों से 2% ज्यादा था, और महिलाएं इतनी ताकत रखती, इतनी कुव्वत रखती है कि सरकार बदल भी सकती है, सरकार बना भी सकती है। इसलिए महिलाओं पर बहुत ज्यादा फोकस, केजी से पीजी तक, कह रहे हैं कि बड़ा कैची भी है कि केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा। और दूसरी चीज, जो जंगल महल के इलाकों में जो वोटिंग होनी है पहले फेज में, वहां 3 एम्स हर परिवार के लिए, आप सदस्य के लिए नौकरी की बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि वहां पर एक यूनिवर्सिटी और हर तहसील में एकलव्य स्कूल को खोलना, ये बड़ी बात है। वो कह रहे हैं कि कोई भी परिवार वहां पर बिना नौकरी का ना रहे, उनके पास रोजगार उपलब्ध हो, ये दिया जाएगा। और देखिए, जो इसमें बात श्वेता जो उठाई गई है इसमें, नागरिकता, माधुरी आपने सुना होगा नागरिकता के मसले पर, 70 साल से यहां पर रह रहे हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी, CAM लागू करेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर फोकस है, लेकिन एक और आपको हम सुना दें इस वक्त, एक और अहम खबर सुन लीजिए। इन तमाम बड़ी बातों के बीच में कुछ ऐसे भी तंज थे जो अमित शाह ने सीधे मारे। अमित शाह ने कहा ईज ऑफ डूइंग रहेगा, सिंगल विंडो से काम होगा, लेकिन सिंगल विंडो का मतलब अभिषेक बनर्जी नहीं है, ये भी जरा सुनिए। हम सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम को भी 15 दिनों के अंदर ही परमिशन मिल जाए, इस प्रकार से लॉन्च करेंगे। सिंगल विंडो से मेरा मतलब भतीजा नहीं है, 7 अर्थ में सिंगल विंडो सिटी होगा जो अक्षर चलाएंगे। मोदी जी एक यूनिक योजना लेकर आए हैं। देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य के लिए कोई खर्चा न करना पड़े, आयुष्मान भारत योजना,
राजनीति, जैसे मैंने कहा कि दुश्मनी का जो भाव होता है ये यहां तक गया है कि बंगाल के गरीबों को ये 5 लाख रुपया नहीं मिलता है। हमने तय किया है कि पहले ही कैबिनेट के अंदर बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंच पाए, इसके लिए हम करेंगे। तो चलिए ग्राउंड जीरो का फिर रुख कर लेते हैं। सरफराज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरफराज, देखिए ये तो किस तरीके से अमित शाह ने बताया, सोनार बांग्ला, ये संकल्प पत्र इस बार बीजेपी ने जारी किया है, लेकिन इसमें दो और चीजें यहां पर मैं जोड़ना चाहूंगी। उन्होंने साफ कहा कि दुर्गा पूजा को लेकर के आप कोर्ट जाने की अनुमति लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसके अलावा किसानों को भी ध्यान में रखा गया, उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, और सबसे बड़ी बात कि जिस बांग्ला भाषा के बारे में हम बात कर रहे हैं उन्होंने कहा कि यूएन में भी उसको आधिकारिक तौर पे वहां तवज्जो दिलाने की बात इन्होंने कही कि पूरा प्रयत्न करेंगे। यानी कि पूरी तरीके से जो सुनार बांग्ला बार बार बीजेपी भी कह रही थी, हम सब ने भी सुना, वही फोकस था, ये संकल्प पत्र वही है। बिल्कुल प्रिया, देखिए लगातार जी हिंदुस्तान सुबह से ही बता रहा था कि अमित शाह किन किन मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। आपसे थोड़ी देर पहले मैं माधुरी से भी बातचीत कर रहा था तो उनको भी बता रहा था कि तमाम जो ऐसी चीजें हैं, चूंकि जंगल महल के इलाके में लगातार पिछले 2 हफ्ते से मैं घूम रहा हूँ और जंगल महल इलाके की जो बुनियादी जरूरत है जिस पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने बड़े लेवल पर काम किया है, उसका असर ये देखा कि उसका जिक्र आज देश के होम मिनिस्टर ने अपने बीजेपी के मैनिफेस्टो में जारी कर दिया है। 3 बड़े एम्स बनेंगे, आदिवासी बड़ी तादाद में वहां पर रहते हैं, गरीबी बहुत ज्यादा है, महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा चीजों का इंतजाम किया है, और खासतौर से वो तमाम बातें कही हैं जो लगातार सुबह से जी हिंदुस्तान कह रहा है। स्मार्ट सिटी की हमने जिक्र किया, इसके अलावा स्वास्थ्य की हमने बातचीत कही थी, गरीबी की बात कही थी, महिलाओं की बात की थी, एजुकेशन की बात की थी, हेल्थ सेक्टर की बात की थी, मछुआरों की बात की थी। तमाम मुद्दों को छुआ है अपने दर्शकों को। जी हिंदुस्तान ने जो संभावित घोषणा पत्र बताया था, वही घोषणा पत्र पूरी तरह से बीजेपी ने आज संकल्प पत्र के तौर पर पेश कर दिया। रमन मेरे साथ लगातार बने हुए, मल्लिका बनी हुई है, महिलाओं के सवाल को लेकर मैं मल्लिका के पास आऊंगी, क्योंकि मल्लिका आप बुलेट पर घूम रही हैं, बंगाल की धरती को जिस वे में आप दिखा रही हैं और हम आपके नजरिए से देख पा रहे हैं वो सचमुच काबिले तारीफ है, लेकिन सबसे पहले मैं रमन के पास वापस आ रही हूँ। रमन, घुसपैठ को खत्म किया जाएगा, दो चीजों का इसमें जिक्र सुनिए, एक तरफ अभिषेक बनर्जी पर हमला करने, उन पर तंज कसने में भी पीछे नहीं हटे अमित शाह, दूसरी तरफ ये कहा कि आपको 500 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं दिखता होगा दीदी, हमें दिखता है, लेकिन हमने पाई पाई का हिसाब रखा है, मैं बनिया हूं। बिल्कुल माधुरी, और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये सब होता है तो वाकई में ये रामराज्य है, लेकिन ये चुनावी मैनिफेस्टो है। सबसे बड़ी बात यह है कि 11,000 करोड़ का सोनार बांग्ला के लिए फंड रखा गया है, और जो 70 मतुआ समाज के बारे में है उनके लिए भी कहा गया कि 70 साल से जो शरणार्थी यहाँ पर रह रहे हैं उन्हें नागरिकता की बात उन्होंने कही, परिंदा भी पर नहीं मांग सकता, यानी जो घुसपैठ लगातार हो रही है उसके ऊपर भी बात की, जो महिला वाहिनी है उन्हें भी बढ़ाने की बात की, बटालियन बढ़ाने की बात की है यहाँ कोलकाता पुलिस में, यानी इस पूरे के पूरे मैनिफेस्टो में कोई भी ऐसी चीज छूटी नहीं है जो कि पश्चिम बंगाल की जनता को चाहिए, और वो इस वक्त इस बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं है। यानी आप ये देख सकती हैं कि जो लगातार हम कह रहे थे कि वो पूरा होमवर्क किया गया है, एक एक समुदाय को उठाया गया है, एक एक कम्युनिटी को उठाया गया है, एक एक समस्या को समझा गया है, और उसके बाद ये संकल्प पत्र सामने रखा गया है। तो इसीलिए ये जितने भी मुद्दे इस वक्त मैनिफेस्टो में आए हैं वो सारे के सारे बहुत रिसर्च के बाद आए हैं, और ये बहुत बड़े तबके को प्रभावित करते हैं, चाहे वो जंगल महल का इलाका हो या फिर पुरुलिया का इलाका हो, वहां 3 एम्स देने की बात हो या फिर रोजगार देने की बात हो या फिर महिलाओं के लिए इतनी सारी घोषणाओं की बात हो या फिर ओबीसी में जो महिषी समाज है या तिल्ली समाज है उन्हें जोड़ने की बात हो, यानी हर समुदाय को पूरा जाना पहचाना गया। लेकिन महिलाओं के लिए इस मैनिफेस्टो में क्या कुछ रहा है, इस संकल्प पत्र में, ये भी पहले आप जान लीजिए जरा। जो बंगाल महिलाओं के अधिकार के लिए यहीं से देश भर में एक नया संदेश भेजती थी, आज महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्यों में से एक राज्य बंगाल है। मित्रों, सबसे पहले हम राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम, हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना को आगे बढ़ाते हुए 75 लाख किसानों को जो 18,000 रुपया 3 साल से ममता दीदी ने नहीं पहुंचाया है वो एक साथ
कोई कट मनी के बगैर सीधा इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम किया, और उसके बाद हर साल भारत सरकार के 6000 रुपया जो आता है इसके अंदर राज्य सरकार का 4000 रुपया जोड़कर 10000 रुपया किसानों को देने का काम करें। मल्लिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। जो अमित शाह इस वक्त आप सुन रहे थे उन्हें, उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए जो राज्य सुरक्षित हुआ करता था वो नहीं है। टीएमसी की सरकार वो सुरक्षित राज्य, वो सुरक्षित जगह महिलाओं के लिए नहीं दे पाई, और हम इसका वायदा करते हैं कि महिलाओं का ध्यान इस तरह से रखा जाएगा कि उनकी सिक्योरिटी पे कोई किसी तरह का क्वेश्चन ना हो। मल्लिका, आप इतने दिन से बंगाल में घूम रहे हैं, क्या स्थिति आप देख पा रही हैं, और इस मैनिफेस्टो का असर आप कैसे रिएक्शंस में वहां पर नजर आपकी बनी हुई है? देखिए माधुरी, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मैं रमन की बात से सहमत हूँ कि बहुत अच्छा रिसर्च वर्क है इसके पीछे। कोई ऐसे बुनियादी मुद्दे नहीं है जो बीजेपी के इस मैनिफेस्टो में जिनका जिक्र ना किया गया हो। और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे मेरी बाइक है, और मैं अपने बाइक से कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में गई, महिलाओं के बीच भी गई, और यहाँ पर महिला सुरक्षा का मुद्दा वाकई बहुत बड़ा है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री खुद एक महिला हो वहाँ पर उम्मीद की जाती है कि महिलाओं का उत्थान होगा, लेकिन यहाँ पर महिलाओं की काफ़ी शिकायतें हैं। उनका कहना है कि अगर शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए उसमें भी बहुत काम करने की जरूरत है। सुरक्षा व्यवस्था भी उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों में तो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ हिस्से कोलकाता के जो कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता है, पावर हाउस माना जाता है, यहां पर भी ऐसे बहुत से हिस्से हैं जहां पर ट्रांसपोर्टेशन सुविधा भी आपको ठीक से नहीं मिलेगी। और जो यहां के बाकी इलाकों का मैंने दौरा किया, देखिए, और इसीलिए बीजेपी क्योंकि सोनार बांग्ला का जो सपना है वो हम पूरा करके रहेंगे, और इसलिए हर वर्ग को इसमें जगह दिया। दीपिका हमारे साथ इस वक्त बारको से जुड़ चुकी हैं, सीधे उनका रुख करते हैं, उनसे जान लेते हैं इस मैनिफेस्टो की बड़ी बातें। दीपिका, बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी बातें आपको बता दें, क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये घोषणा पत्र नहीं, ये संकल्प है। संकल्प उस पार्टी का जिसमें 16 राज्य से भी ज्यादा की सरकार है, और देखिए ये संकल्प है उस पार्टी का जिसने हमेशा सुरक्षा का ख्याल रखा है, देश की बॉर्डर की सुरक्षा का ख्याल रखा है, और ये संकल्प है उस पार्टी का जिसने 2 बार बहुमत के साथ सरकार बनाई है। और देखिए इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए आपको इस पूरे मैनिफेस्टो के बारे में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह ने कोलकाता से बीजेपी का सोनार बांग्ला संकल्प पत्र जारी कर दिया है 2021 में। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी किसानों को 10,000 रुपए देंगे, जो फायदे केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को, राज्यों के जनता को, बंगाल की जनता तक पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पा रही थी कारणवश, लेकिन अब सीधे अकाउंट में अब ट्रांसफर होंगे वो तमाम अमाउंट, यानी कि किसानों को सीधा सीधा फायदा इस मैनिफेस्टो के जरिए मिलने वाला है। ऐसी कई सुविधाएं हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों से लेकर हर वर्ग के लिए। जो आप बता पा रहे हैं कि किसान सम्मान निधि योजना एक ऐसा बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मेरे तमाम रिपोर्टर्स लगातार उस ग्राउंड पर कवरेज कर रहे हैं और इस बात को रख रहे हैं कि केंद्र की योजनाओं को वहां पर किस तरीके से नहीं चालू होने दिया गया, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा, अगर मैं प्रत्युष आपके पास आ रही हूं, सबसे बड़ा मुद्दा किसानों को लेकर बनाया गया, क्योंकि आपको याद होगा कि आप लोग किसान आंदोलन भी कुछ ऐसे ही जाकर हम लोगों ने कवर किया, और यहां से दिल्ली से लेकर आप बंगाल तक किसान चले गए, और उसके बाद दीदी ने भी इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन केंद्र ने इसको, केंद्र की योजनाओं को वहां नहीं लागू होने देने से बीजेपी ने इसे लपका और मुद्दा बनाया कि हमने जो 6000 रुपए किसान सम्मान निधि के थे वो भी देंगे, 75,000 किसानों को जो कटमनी में आपको नहीं मिला वो भी उन किसानों के अकाउंट में डलवाएंगे, और अगर हमारी सरकार आती है तो राज्य सरकार जो 4000 देगी वो मिलाकर 10,000 हम किसानों को देंगे। सोचिए कितना फैक्चुअल वादा है ये, क्योंकि इस पर कोई भी पार्टी फंस सकती है। और देखिए और माधुरी, देखिए शुरुआत ही अमित शाह ने इससे कही कि कई पत्रकार बंधु ये पूछेंगे कि आखिर इसके लिए बजट क्या आएगा, तो हमने बहुत सोच समझ के बनाया है, मैं बनिया हूं ऐसी गलती नहीं कर सकता, इसलिए बहुत प्लानिंग के साथ, रिसर्च के साथ बनाया है। और जो 18,000 की बात है, उन्होंने कहा कि जिससे आप महरूम रह गए, जो आपको नहीं मिले वो एरिया भी मिलेगा, 6000 रुपए किसान सम्मान निधि का और 4000 मिला के 10,000। तो अब किसानों को एक तरीके से माधुरी अगर आप देखिए तो एक मुश्त में अगर आप जोड़िए तो 18
प्लस ये 10-28 हजार इस वक्त किसानों को दिख रहा है। कई लोग इस पर चर्चा भी कर रहे थे, पट्टे की बात कही गई है कि जिन किसानों को वो जंगल महल का इलाका भी हमने देखे प्रत्युष कि आप पट्टे बांटेंगे तो आप अपनी जमीन का मालिकाना हक आपको मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात, भूमिहीन किसानों को लेकर भी यहाँ अमित शाह ने जिस तरीके से बातें कही कि उनके लिए भी सरकार जो है वो स्कीम लागू करेगी, मछुआरों को लेकर ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री लेकर के आते टीएमसी की तरह स्कैम नहीं करते हैं और टीएमसी को हर स्कीम स्कैम ही नजर आता है लेकिन जनता को स्कीम दिखती है। और अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें। भ्रूण परीक्षण और भ्रूण हत्या की मंडी बना आगरा, एक प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिक के घर पर मिली अल्ट्रासाउंड मशीन, एक महिला समेत दो आरोपी भी गिरफ्तार, पुलिस आरोपियों से अब पूछताछ कर रही है। लखनऊ के आरबीआई ऑफिस में मिले 59,000 रुपए के नकली नोट, सहायक प्रबंधक की तहरीर पर केस दर्ज हुआ है, पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रयागराज में शराब तस्करी करने वाले बड़े गिरोह का भांडाफोड़ हुआ, पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया, पुलिस आरोपियों की तलाश में कर रही है छापेमारी। दबोह में नाबालिग रेप पीड़िता ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की है, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया, पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। यूपी के प्रयागराज में युवती को लेकर के दो गुटों के बीच में जमकर हुई है मारपीट, दोनों तरफ से जमकर चले लात घूंसे, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। और इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आपको बताते हैं, दिल्ली की गीता कॉलोनी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर खतरनाक लुटेरे गिरफ्तार हुए, लुटेरे समीर और फैजान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रोहिणी में दो महिलाओं को लूटा था, एक नेपाली महिला की हत्या की थी, दिल्ली की गीता कॉलोनी से दो बेहद खतरनाक लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये वही लुटेरे हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले दिल्ली के रोहिणी में दो महिलाओं को दिन दहाड़े लूटा था। इन लुटेरों ने न सिर्फ रोहिणी में दो महिलाओं को लूटा था बल्कि मजनू का टीला में एक नेपाली महिला को उस मौत के घाट उतार दिया था, गोली मार दी थी, उसकी हत्या की थी और पुलिस ने इन दोनों बदमाशों को पकड़ लिया है। पुलिस के मुताबिक एक बदमाश का नाम का जो नाम है वो समीर है और दूसरे का नाम फैजान है। और चलिए अब आप वो वीडियो देखिए जिसमें समीर और फैजान नाम के बदमाशों को दिल्ली पुलिस के जवान गिरफ्तार कर रहे हैं। दरअसल यहाँ सादी वर्दी में दिल्ली पुलिस के जवान दोनों लुटेरों को घेर लेते हैं और फिर पकड़ भी लेते हैं। आप वीडियो में लुटेरे फैजान और समीर को गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस से भिड़ते हुए भी देख सकते हैं। ये वीडियो में लुटेरे फैजान की पत्नी भी पुलिस से भिड़ती हुई दिखाई दे रही है। और अब अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक जींस वाली लड़की खूब वायरल हो रही है और इस जींस वाली लड़की को कुछ लोग यहां बहादुर और कुछ मर्दानी कह रहे हैं। और असल में इस लड़की ने एक मेले में मनचले लड़के को ऐसा जमकर पीटा कि पुलिस तक इस लड़की की तारीफ कर रही है। आप भी देखिए। जब से इस लड़की ने मनचले के सरेआम धुनाई लगाई है तब से इस लड़की को जींस वाली बहादुर लड़की कहने लगे हैं। वीडियो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले का बताया जा रहा है। धमतरी में इस लड़की का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लड़की ने मनचले को लात और घूंसों से जमकर पीटा। वायरल वीडियो धमतरी जिले के मगरलोट ब्लॉक के मधुबन मेला का है जहां इन दिनों मेला का कार्यक्रम चल रहा है। इस मेले में लड़की अपने सहेलियों के साथ घूमने के लिए गई थी। इसी बीच मेले में घूमने के दौरान एक युवक उनसे छेड़खानी करने लगा। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो युवक नहीं माना, जिसके बाद लड़की ने दिलेरी दिखाते हुए युवक को जमकर पीटा। लड़की की बहादुरी देखकर अब काफी लोग तारीफ कर रहे हैं। वायरल वीडियो है, उससे ये प्रमाणित होता है कि हमारे जो बच्चियां हैं वो अपने अधिकार के लिए निश्चित रूप से सतर्क हैं तथा उनके साथ जो भी गलत करेगा उसके लिए वो सबक सिखाने के लिए भी तैयार है। कुल मिलाकर मंचले की लड़ाई करने के बाद लड़की की जमकर तारीफ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और जरा अंदाजा लगाइए, एक साथ 40 सिलेंडर में अगर धमाका हो जाए तो नजारा कैसा होगा। दरअसल यूपी के गोंडा में एक गोदाम में ऐसा भयानक हादसा हुआ है कि धमाके की गूंज दूर तक लोगों ने सुनी है। जरा यूपी के गोंडा का ये वीडियो देखिए, एक घर में बनी दुकान में कितने भीषण धमाके हो रहे हैं। खबर के मुताबिक गोंडा के आमदपुर बाजार में अवैध रिफिलिंग की दुकान में आग लग गई, जिसके बाद दुकान में रखे सिलेंडरों में धमाके होने लगे। एक एक करके 12 सिलेंडर में ब्लास्ट हुए, जिससे घर और दुकान की छत उड़ गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी आवाज 2 किलोमीटर तक सुनी गई। पुलिस के मुताबिक करीब 40 सिलेंडर अवैध तरीके से दुकान में रखे गए थे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। भीषण आग और धमाके से आसपास के घरों को भी भारी नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब जरा सोचिए, आपके हॉस्पिटल में एक मरीज स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है और तभी ये पता चले कि उनके वार्ड में कोबरा सांप घुस आया, तो उसकी क्या हालत होगी उस वक्त। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है राजस्थान के बीकानेर में, जहां पर महिला वार्ड में कोबरा घुस गया और हड़कंप मच गया। आप देखिए, राजस्थान के बीकानेर में सरकारी हॉस्पिटल का ये नजारा देखिए, जहां कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया। बीकानेर के सरकारी पीबीएम हॉस्पिटल में अचानक से 6 फीट लंबा कोबरा निकलने से दहशत फैल गई। कोबरा हॉस्पिटल की महिला ओपीडी से निकला, महिला वार्ड में कोबरा को देखते ही भगदड़ मच गई। क्या डॉक्टर और क्या मरीज, हर कोई कोबरा से जान बचाने के लिए हॉस्पिटल से बाहर आ गया। अस्पताल के प्रशासन आनंद फानंद में इकबाल नाम के एक स्नैक कैचर को बुलवाया, जिन्होंने बड़ी आसानी से कोबरे को काबू में कर लिया। सांप की खबर फैलते ही उसे देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इकबाल नाम के स्नेक कैचर ने एक वाइपर के सहारे कोबरा को पकड़ लिया। और ये जो जनाना अस्पताल, यहाँ पे प्रेग्नेंट जो महिलाएं आती है वो यहाँ पे टीकाकरण के लिए आती है, फॉर्म भरवाने के लिए आती है, और उसी उन्हीं महिलाओं का ये बाथरूम है। खुदा ना खास्ता बहुत बड़ी हानि हो सकती थी, लेकिन उसको समय रहते पकड़ लिया। जब तक सांप को पकड़ा नहीं गया, तब तक सारे मरीज स्ट्रेचर पर ही रहे। कोबरा की दहशत ने डॉक्टर्स से लेकर के मरीजों तक के होश उड़ा दिए। ये तो गनीमत रही कि कोबरा को सही वक्त पर पकड़ लिया गया, वरना ये मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बिहार के जहानाबाद में सिपाही भर्ती के दौरान एक अजीब नजारा देखने को मिला है। जो अभ्यर्थी सिपाही भर्ती के जरिए यहाँ सिपाही बनने आए थे, उन्हें पुलिस ने जमकर के पीट डाला। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए आप। जरा बिहार के जहानाबाद में सिपाही भर्ती के दौरान हो रहे हंगामे को देखिए। दरअसल जहानाबाद के गौतम बुद्ध और मुरलीधर इंटर विद्यालय स्थित परीक्षा सेंटर पर दर्जनों अभ्यर्थी देर से पहुंचे थे। एंट्री का समय पूरा होने पर केंद्र के मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया था। ऐसे में अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। कुछ ने कॉलेज की बाउंड्री वॉल से छलांग लगाकर सेंटर में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि सिपाही भर्ती में शामिल होने आया एक लड़का पुलिस बल से भिड़ गया, जिस पर पुलिस वाले टूट पड़े। इधर इस पूरे मामले में अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। गौरतलब है कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के जहानाबाद जिले में 11 केंद्र बनाए गए थे। अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से पूर्व कोविड-19 को लेकर के थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही थी और इसी के बाद ही प्रवेश करने दिया जा रहा है। जब परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी देर से पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया और इसी को लेकर के भिड़ंत हो गई। कुल मिलाकर सिपाही बनने पहुंचे अभ्यर्थी पुलिस से पिट गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और अब खबर आपको पश्चिम बंगाल की बताते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी गदर इस बार चरम पे पहुंच चुका। आज हावड़ा में बीजेपी नेता राजीव बैनर्जी ने जैसे ही हावड़ा में अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार शुरू किया, बवाल भी शुरू हुआ। और बवाल शुरू हुआ, इस बवाल का ये नतीजा निकला कि पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा का ये नजारा देखिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस जमकर लाठीचार्ज कर रही है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस का लाठीचार्ज होते ही बीजेपी के लोगों में भगदड़ मच गई। खबर के मुताबिक बीजेपी नेता राजीव बैनर्जी के प्रचार करने के दौरान जमकर बवाल मच गया और ये हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी नेता राजीव बैनर्जी के प्रचार के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज ने पूरे इलाके में भगदड़ मचा दी। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस ने बेवजह उनके लोगों पर लाठीचार्ज किया। कुल मिलाकर पुलिस और बीजेपी के बीच में हुआ यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।